मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि भीनमाल को जिला बनाया जाए। यदि भीनमाल जिला नहीं बना तो कम से कम को सासौर में मत भेजे, मेहरबानी करके। नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, मिस्टर राठौर नीचे बैठे। आपको नहीं समझ में आए, बाहर जाइए, फिर निकालने की जरूरत है, उठ जाइए। राजस्थान के जालौर जिले का भीनमाल शहर जिला बनने का प्रमुख दावेदार हैं, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा 17 मार्च 2023 को राज्य में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की, जिसमें भीनमाल का नाम शामिल नहीं था। इसके लिए भीनमाल की जनता में आक्रोश है और वह धरना प्रदर्शन कर रही हैं कि भीनमाल को जिला बनाया जाए। आज के इस वीडियो में जिन खबरों को हमने संकलित किया है वह राजस्थान विधानसभा और सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के माध्यम से हमने संकलित किया है, और उसके माध्यम से हम आपको बता रहे जा रहे हैं कि क्या भीनमाल अब जिला बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। राजस्थान विधानसभा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मिली जानकारी के अनुसार 21 मार्च 2023 को भीनमाल विधायक श्रीपुरा रामजी चौधरी राज्यसभा में गए और वहां पर उन्होंने भीनमाल को जिला बनाने की बात कही। उन्होंने सभापति महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की कही कि भीनमाल को जिला बनाया जाए। यदि भीनमाल को जिला नहीं बनाया जाता है तो कम से कम हमें सासौर में शामिल न करें। इसके बाद में विधायक पुराराम जी जब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से मिले तब भी उन्होंने उनसे यही बात रखी कि भीनमाल को जिला बनाया जाए, हम आपका समर्थन करेंगे। यदि भी जिला न बनाया जा रहा है तो कम से कम आप हमें सांचौर में शामिल न करें तो हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। जो खबरें सामने आ रही हैं और भीनमाल विधायक की जो सरकार से मांग है कि भीनमाल को जिला बनाया जाए, इसका कुल मिलाकर सार निकाला जाए तो यही लगता है कि भीनमाल अब जिला नहीं बनेगा, क्योंकि सरकार के सामने दो ऑप्शन है, या तो जिला बनाया जाए, यदि जिला न बनाया जाए तो हमें सांचौर में शामिल न करें। तो सरकार तो यही चाहेगी कि जिला भीनमाल को न बनाकर उन्हें सांचौर में शामिल न किया जाए, तो जनता यहाँ की खुश रहेगी। तो सरकार यही करेगी कि जिला न बनाकर इन्हें सांचौर में शामिल न किया जाएगा, जालौर में ही रखा जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन ही सेलेक्ट करेगी कि सांचौर में शामिल न करें। तो इसका कुल मिलाकर सार ये है कि भीनमाल अब जिला बनाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि भीनमाल विधायक की भी यही मांग है कि जिला न बन पाए तो आप सांचौर में हमें शामिल ना करें। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि कल विधानसभा में जब पुराराम जी भाषण देने के लिए अपने पहले प्रश्नकाल में खड़े हुए तब उन्हें अनुमति नहीं मिली, तो उनके साथ में क्या हुआ वो आप देखिए। उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे जब दूसरे काल में जब पुराराम जी भाषण दिया तो उन्होंने उस भाषण में क्या कहा, वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से उनकी भेंट हुई तब क्या बात हुई वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। चलिए प्रारंभ करें। आप तो हो ना, आप बैठो, आप सहायता करो हमारी, आप हमारी सहायता करो। इस प्रकार धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को माननीय बेटा प्लीज आई विल नॉट अलाउ, मैं खड़ा हूँ, नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, मिस्टर राठौर, मिस्टर आई विल नेम यू, आई विल नेम यू, मिस्टर बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, आई विल नेम यू अभी, माननीय माननीय राठौर साहब, माननीय राठौर, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट अलाउ इट, माननीय सदस्य नीचे बैठे आप प्लीज, नीचे बैठे आप, आपको नहीं समझ में आए बाहर जाए, आपकी की समस्या है। सदन में आए हैं तो सदन के नियम का पालन करें, नहीं पालन करना बाहर जाके जो करना जो करिए। सदन में नियम का पालन नहीं करेंगे तो मैं आपको बाहर निकालूंगा, जाइए फिर, निकालने की जरूरत है, उठ जाइए, निकालने का काम क्यों कष्ट कर रहे हैं, मुझे आप कुर्ती चल जाइए। सदन में आप जीत के आए हैं, सदन के सदस्य हैं, सदन में एक बात को कैसे रखना है इसके बारे में जानकारी नहीं है तो भी सदन की अपनी भूमिका का निर्माण नहीं करते। आप सदन में जीत के नहीं आते हैं, बाहर सड़क पर सब काम कर सकते हैं। सदन में तो नियम और कानून के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन नियम कानून के अंतर्गत अपनी बात को रखें। नियम का पालन नहीं करेंगे तो मुझे अनप्रेजेंट काम करना पड़ेगा। मैं सदस्य फिर सुनिए, बैठे बैठे बोल रहे हैं आप, मैं सुन नहीं रहे हैं आप ट्रेनिंग ले गए हैं पूरा राम जी, मुझे जी पूरा राम जी, माननीय सभापति महोदय, जिस दिन 17 तारीख को जिलों की घोषणा हुई, हमारा भीनमाल को वंचित रखा गया कि भीनमाल परंपरा से आज भी भीनमाल महाकवि माघ की नगरी से ब्रह्मगुप्त के नाम से जाना जाता है।
भीनमाल की जनता के अंदर बहुत बड़ा रोष है। भीनमाल के अंदर जैन समाज का पूरा विश्व का बहुत बड़ा मंदिर है, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया और बेवजह। हमारी मांग है, पूरी जनता जनता जनार्दन रोड पे खड़ी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि भीनमाल को जिला बनाया जाए। यदि भीनमाल जिला नहीं बना तो कम से कम को सासौर में मत भेजे मेहरबानी करके, क्योंकि वह बीच में सारे इसमें करके लोग हैं। और यदि भीनमाल मोटरसाइकिल लेके गए ना तो आपको मोटरसाइकिल वापस नहीं मिलेंगी, आपको आरसी लेके आना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। यदि कोई जन हानि हुई या सरकारी किसी को नुकसान हुआ संपत्ति का, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सरकार जवाबदार होगी। माननीय सभापति महोदय आपसे हाथ बिराजी मानी से बिराजी आप अंकित नहीं हो रहा बिराजी आप इसलिए बोल लेंगे आपको बिराजी माननीय राजेंद्र जी माननीय उपनेता महोदय अरे बैठो प्लीज बिराजी आप मुझे मार्शल बुलाना पड़ेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ माननीय सदस्य बिराजी हाँ पधारिए जिला नहीं भी मिलाते हो ना पहले तो जिला बनाओ नंबर वन। हम आपका समर्थन करेंगे पूरा पहले ही किया तो आपने सारे काम किए कम से कम हमारा जो भीनमाल जिला सासों में मेहरबानी करके मैं कह दूंगा ये मेहरबानी कर देना ये आपका एहसान रहेगा हमारी सर हमारी भी मांग भीनमाल से आए होने से पड़ा है बीस का बना कर बीस कितना आपको कम से कम मेहरबानी इतनी करना।